जो जिंदगी में स्टैटिक हो गए, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो मैनेस हो, चाहे वो मूवी के हो, दे डोंट ग्रो इन लाइफ। लाइफ में हमेशा वो ग्रो करते हैं जैसे दरियाओं का पानी है, पहाड़ों का पानी है, चश्मों का पानी है, चलता रहता है और कितने साल हजारों लाखों के लोग तय करते हैं। उसको रिमेन वाइब्रेंट इन लाइफ, इसको वाइब्रेंसी कहा जाता है। जितने वाइब्रेंट होंगे उतने आप अच्छे होंगे, जितने स्टैटिक होगी उतनी सुस्ती आवश्यकता रस्ती होगी, आप जंग लूट होंगे और जंग लूट लोगों का एक्सेस तक रोल देगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि कॉम्प्लेक्स को लाइफ के नजदीक नहीं आने देंगे, मेरिट की सुपीरियरिटी, मेरिट की इंफीरियरिटी दोनों डील होंगे। यू आर योर सेल्फ इज एवरीथिंग, आप खुद हैं। कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं या जिन लोगों में कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो बाकियों के लिए भी वो बड़ा दर्द तकलीफ होते हैं, दर्द पेट की तकलीफ, रूह की तकलीफ। अगर जिंदगी में डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों को हैंडल करना पड़े तो आपकी जिम्मे नहीं है कि उनको ठीक करें, ये तो नबी भी ठीक नहीं कर सकते। आपकी जिम्मे यह है कि आप पहले सेल्फ को ठीक करें, फिर अपनी ट्रेन को इस तरह ड्राइव करें, अपनी अप्रोच को टू द रूट टू सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रोफेशनल एथिक्स एंड ट्रेनिंग ऑफ योर ड्यूटीज, कि आप उसे खुद ढूंढते हो। आपने जिंदगी में अपना कंपटीशन सिर्फ सेल्फ से करना है। लोगों से जब कंपटीशन शुरू होते हैं तो उसमें और इनके आती हैं, उसमें नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी खत्म होने शुरू होता है, डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग आती है। तो जब वे ऑफ हैंडलिंग डिफरेंट आ जाए तो आपकी अपनी क्वालिटीज नीचे से आपको होनी चाहिए। आप डेली ये देखिए कि हु आई एम, व्हाट आई एम, व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू कैन बी बेटर, कल से बेहतर मैं क्या और कौन सी ऐसी बात करूंगी जो है तो कल से बेहतर। अभी पूरी क्लास प्लीज खड़ी हो जाए। वर्ष में इट्स वन मिनट एक्सरसाइज, इट्स अ वन मिनट एक्सरसाइज। वर्ष में ओनली ऑन राइट एंड लेफ्ट यू विल ट्रैक, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आप अपने दाएं और बाएं वाले को आपने कह दिया मैं साइकिल हूं, मैं इतना पढ़ी हुई हूँ, मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने थे और तीन पास के मैंने बेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए मैं आपने क्या और कौन सा उसके बाद क्या है, अच्छा सुनिए, और उसके बाद कोई भी बंदा आपने कुर्सी लेने बैठे यूएल से तो ना चेंज हो आगे वाले पीछे पीछे वाले आगे बदल लेते ओके योर टाइम स्टार्ट मैंने आपको क्या कोई भी आपकी कुर्सी पे नहीं बैठेगा, कम से कम दो लोगों की आपकी पूरी टीम से दो लोग और अगर इसमें देर हुई तो मुझे बहुत बहुत बात से लगवा ओके फ्लाइट पे मैं इंसान चेंज को पसंद करता है।
और इंसान जब चेंज को पसंद करता है तो चेंज से वो लर्न करता है, और जब लर्न करता है तो आगे बढ़ता है और वो ठीक रहता है। लेकिन चेंज में तकलीफ है। जब मैंने आपको खड़ा किया कि थॉट एक साथ जुड़ रही है, बहुत सारों के देख में ये ख्याल आया होगा कि डॉक्टर साहब ने हमें क्यों खड़ा कर दिया, वही इसको हम कितने राउंड से बैठे हुए थे, क्या इस बंदे को सुबह को आपके बाद सो मेनी ऑफ थॉट्स ऐसे है। यू डिड नॉट फील टेक इट इज गुड, लेकिन ह्यूमन बींग्स हमेशा आती है। बाबा जी आदम को रहमा अबू साहबा को भी इसी इंक्विजिटिवनेस की वजह से नीचे भेजा गया। ह्यूमन बींग्स बिलीव नहीं करते जब तक उसको टेस्ट नहीं करते। आपने टेस्ट किया क्योंकि आप बाबा जी की बात है ना, इंसान है शुक्र मुख्य बात। टेस्ट करने के बाद आपने कहा कि टेस्ट को सो ऑलवेज एक्सेप्ट फेल्ड इट्स बाय योर फेल्ड। आप चाहे किसी कॉलेज में है, किसी स्कूल में है, जहां है, घर में है, आज जाके घर का स्टडी टेबल अपना बदल लें, बेड बदल लें, ऐसे कर जब इधर की चीजें इधर आते हैं किधर आते हैं यू फील को अगले यूनाइटेड मार्केट के लिए पता नहीं कुड़ी पढ़ लेके की पागल हो गए, बट यू जनरेट अ वाइज ऑफ हैप्पीनेस। वो मान लीजिए बेटा वो तुम ठीक है, तूने तो खिड़की खाली कर दी, उधर से ताला ऑक्सीजन आ रही है, तो बड़ा मजा आया। ऊपर सर्दियां आ रही है ना, सर्दियों की सेटिंग गर्मियों की सेटिंग से डिफरेंट होनी चाहिए। मैंने आपको लॉजिक भी दे दिया और बड़ी दुनिया हाफत करेगी। मैं कभी भी डेंगू चेंज कराऊँ तो बेगू से बड़ी बिजली होती है कि आपने खुद खुद कर दिया, मैं फिर चेंज करके देखती फिर बाद आप कहते हो ठीक है। मैं तो याद आ क्या होता है कि आप कोई चेंज देते हैं इंसान को तो उसका आउटपुट बेहतर होता है। एक और बात जो आपको इस लेसन से मिली वो ये है कि इंसान की खुशी इंसान में मिले, इंसान की खुशी इंसान को मिलने लगी है। ये ओवर प्रोटोकॉल लोग, आइसोलेटेड लोग, बिलियनर्स लोग, डॉलर्स वाले, स्टेटस वाले रात को नींद की गोलियां क्यों लेते हैं? अगर इतना पैसा है सब कुछ है तो उनसे पूछे हम क्या, मैं कौनसे कर रहा था ऑनलाइन किसी की बिलियनर तो सर और कुछ नहीं, यंग आदमी है 24 ईयर्स का और कुछ नहीं है सर, दो बजे के बाद नींद नहीं आती, सुबह तक फिरते ही रहता हूँ कमरे, तो मुझे और आपको तो 10 बजे के बाद होश नहीं होती। क्या तो क्या रीजन है काम करने में स्कूल? आपका नाम अक्सा मिस अक्सा, मिस अक्सा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हमें होशी नहीं होती इतना काम करने, तो काम करने में स्कूल है, इंसानों को मिलने में स्कूल है, नेचर के साथ चलने में स्कूल है, क्वालिटी प्रोड्यूस करने में, कॉन्सेप्ट और एक्सेलेंस करने में स्कूल है, अपनी क्लास को सही तरीके से अचीव करने में स्कूल है। क्या कहते हैं और हर वो चीज स्कूल आती है जिसमें आपकी पढ़ाई हो आगे आपको फॉर बिलोंग करो बेहतर हो। मैम वी हैव मोर टाइम जी सर, टाइम क्या हो गया था जी, आप 50 मिनट ऐड करें क्या बोलते हैं 50 ओके 10:50 के बाद आपने कह दिया। अच्छा इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह जिया जाता है। मेरे दोस्त हैं काश पास साहब हैं लंदन के, मेरा कांग्रेस के मिनिस्टर है, तो ही सही कह रहे हैं हम बड़ी देर से 2 घंटे रात के पास बात है, उसकी बड़ी प्यारी बात है और मैं उनको कोट करता हूँ हमेशा विकास आई जर्ट दे से काम। वो कहते हैं जिस तरह मिलने के आदाब होते हैं उस तरह बिछड़ने के भी आदाब होते हैं। हम मिले हैं, बातचीत की है, अच्छे तनख्वाह दे रिश्तेदारी हुई और थोड़े अरसे बाद वो लेफ्ट पे आ गए, उसको कहा इतना प्यारा बंदा ही लेकिन नहीं ऐसे नहीं होता। जिनको आपकी जबान से जब एक दफा अच्छा कह लेते हैं तो अच्छे ही होते हैं, सच है उनकी प्रॉब्लम कहाँ है, तो या पहले इतना बढ़ा चढ़ाते ज्यादा अच्छा लगे बैलेंस करके बढ़ती ऐसी चीज। मैं आपको कौशल की एक चीज आपसे शेयर करता हूँ कि बरादरी में जब कोई कोई मां जाती है या कोई जिसका कड़े जाती है, आई एम ऑल्सो फादर ऑफ टू डॉटर्स हु आर डॉक्टर्स मैरिड टू कैप्टन्स एंड माय सन टू सन्स आर आल्सो कैप्टन इन पाकिस्तान, तो आजकल वो बाज बा बेगम जाती है देखती है तो रोज कह रहे होते हैं क्यों कि रिश्ता देखने जा रहा है, लड़की बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, चौंक जैसी होनी चाहिए, वो ऐसे ऐसे मामले निकलते मतलब परेशान हो जाए। तो एक मेरी आंटी आई थी इस्लामाबाद मेरे पास, मेरी आंटी जरा चांदी का मतलब समझा रहा क्या वो बहुत ऊंचा ऊंची लंबी चौड़ी मैं क्या डिग्री का गिरफ्तार
कहते उसे अच्छा एंड में कुछ हो गई वो अच्छी थॉट में फिट से मैं कहती आप इस तरह कहीं जान वो ऊंची लंबी जान सी ना ढूंढे उसके काम के मुताबिक हो थोड़ा लड़की लंबी हो जाएगी वो छोटा रह जाएगा पूरा लड़की इट वुड बी अ बेस्ट मैच का इस बात से इंडायरेक्टली मैं उससे शेयर ये करना चाह रहा था कि लोगों पर नजरें उठाने से पहले उंगली उठाने से पहले अपने घर को देख जो माँ भी ये कहती है ना कि मैंने अपनी नूह को बिल्कुल सखी बेटियों से आगे रखा हुआ है सब झूठ है वो सभी बेटी शादी हो नहीं सकती पॉसिबल नहीं और जो जो साथ ज्यादा कह रहे उसका मतलब ज्यादा रहो उसमें ज्यादा चाहती थी वो कब करना चाहती बेटी बेटी होती है और बहुत वो तो हमें उस रियलिटी में जब आप सेलेक्ट करते हैं आप कहते हैं कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टिंग की मेरी बात पूछे कि वो गलत क्यों होगी फिर कभी साड़ी ना धोखा हो धोखा नहीं हुआ था मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये सारी मुआशरे हमारी प्रॉब्लम है हम रियलिस्टिक नहीं है इसमें और लंबी बात हो सकती है लेकिन एक बात याद रखें ख्याल को टीचर पसंद आना रखें टीचर आपको बता आपके ख्याल ऐसे फ्लिप फ्लॉप नहीं होने चाहिए आज आसमान की है कल जमीन की है इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी बात है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस ये सिखाती है ये हमें पढ़ाती है ये गाइड करती है कि इंसानों की जिंदगी में इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह किया जाए कीप आवर रिलेशनशिप एक बच्चा है छोटा है लेट्स से क्लास 6 है और एक बच्चा क्लास 8 है टीचर शुड नो द साइकी ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास 8 वाला कैसे समझता है और क्लास 6 वाला कैसे ये आपकी जिम्मे है पढ़े किताबों से नॉलेज से सीखे मेंटोरों से पढ़ो से मैडम लीजा की ट्रेनिंग से सवाल करो जब हम अपने डिसीजन लेते हैं प्रोफेशनल एथिक्स में सेल्फ मैनेजमेंट में आगे बढ़ते हैं अगला स्पीड ब्रेकर हमारा आता है इंसानों को डील करना हाउ टू डील डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल उसके मेरे एक अलग वर्कशॉप भी अर्जुन करिए कि कायनात में डिफरेंट तरह के लोग आपको मिलते हैं कोई स्पीड ब्रेकर आते हैं कोई मोटिवेटर होते हैं कोई मोटिवर होते हैं कोई स्पोर्टिव होते हैं कोई ड्रैगन होते हैं कोई स्टॉपर होते हैं डिफरेंट लोग हैं कोई मसला नहीं आप लोग को कैसे डील करें सोशल लाइफ है प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ उसकी टेक्निक्स रखें लोगों के साथ टाइम जाया करने की बजाय लोगों के साथ रिफ्लेक्ट करना सीखें विद स्माइलिंग फेस आपको पता है कुछ जज्बाती हो जाता है कपड़ों पे कुछ जज्बाती हो जाता है मजहब पे कुछ फर्क वो सब पे क्या डिस्कस करते हैं और मैं जी आए मैं देख रहा हूँ आपको मिले हैं क्या कैसे खुश हैं फिट हैं सलाम अलैकुम जब तक वो चुगली वाला स्विच करें शिफ्ट आप पूछे टोटल नेट पे जब आपने इंसानों से डिस्कस करके नेगेटिव एक्टिविटीज में लाइक इवन लाइक चुगली लाइक डिस्कसिंग पीपल टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया इसका मतलब आपने अपनी पर्सनैलिटी को बोलना शुरू कर डोंट डू इट ना ये बच्चों में आने गए अपने आप में अच्छी पर्सनैलिटी से डिस्कस करें वो परसेंटेज डिस्कस करें जो मैच्योर हो जिसमें जिंदगी में आपने कुछ सीखा हो बाकी फायदा कोई नहीं किसी को आप 1000 दफा बुरा कह देंगे तो उसे वो बुरा नहीं होगा वो वही रहेगा जो वो रीजन था और किसी को आप 1000 दफा इन्फ्लेट करके अच्छा कह देंगे तो वो नहीं होगा वो ये है जो छोटी रहेगी जैसे हमारी सोशल लाइफ में मियां बीवी में सारी उम्र जंग होती रहती है देख के अच्छे से सोए माँ मुझे मुस्कुराती रहती है चंदा माँ और बाप कहता रहता है मेरी फैमिली ये एक नई जंग शुरू हो जाती है और हर घर में पढ़े लिखे जो है इसको हैंडल करते हैं विद के विद मैन वाई यू वेस्टिंग द एनर्जी ऑफ योर चिल्ड्रन जस्ट बाय प्रूविंग दिस कि फलां रिश्तेदार अच्छा है फलां नहीं डोंट डू इट ये बच्चे हैं ना जिस तरह आपके घर के बच्चे हैं जिनकी शादियों में अल्लाह ताला जिंदगी नहीं हुई उनका भी नसीब बच्चे करेगा ये स्कूल के बच्चे भी आपके ऐसे बच्चे अगर आपने अपने स्टूडेंट्स को एक आदत डाल दी टाइम वेस्टर जिंदगी में कैसे यूज कर लें तो आपके पूरी जिंदगी का काम कर हाउ टू अवॉइड वेस्टिंग ऑफ टाइम क्योंकि टाइम इज लाइफ हाउ टू बी पंक्चुअल टाइम वेस्टर्स को कंट्रोल कैसे करें डीमोटिवेटर फैक्टर्स को कंट्रोल कैसे करें बेटा कोई नहीं सब काम ना बनाए फिर क्या गिरते हैं शायद सवाल बताने जाते हैं वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल से जो चगियाई में नहीं बनाने जाते हो करेगा
तो मैं भी डिसअपॉइंटेड। मैं कुरान शरीफ की वो मुझे सूरत याद नहीं है, एक जगह उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, सबसे बड़ा सीन शिर्क और कुफर के बाद मायूसी है, डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस। ये वो गुनाह है, ये वो क्वालिटी है, ये वो थॉट है जिसका हालत मॉरल बहुत बहुत ज्यादा मायूस करता है और बड़ा इसका अल्लाह पाक नाराज होता है। कहते हैं तुम कोई शुक्र मखलूकात हो, आपको हमने अपना नायक बनाया, आपको इतनी क्वालिटीज दी, सब पर तो मायूस हो रही हो मेरी यहाँ पर, मायूस नहीं हो ना स्टूडेंट्स हो रहे हैं ना खुद हो रहे हैं, बड़े अजीब अजीब लोग टकरे दे दे रहे हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ आपको स्पीड ब्रेकर्स मिले, आपको नेगेटिविटी आएगी, आपके मिजाज के काम मुताबिक काम नहीं होगा, बीच में मसले आ जाएंगे, बट इट डजंट मीन कि यू स्टार्ट फाइटिंग विद पीपल एंड इट डजंट मीन यू स्टार्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप दूसरे के पैराडाइम में जाके देखें, क्या पता वो भी उसी रूट पे काम कर रहा हो और अच्छा जाना चाह रहा हो, जो ऐसा वर्ड का फर्क। तो इशू को डिस्कस करें परसेंटेज को ना करें, ना इगोइस्टिक अप्रोच में इंगेज नहीं करते। व्हाट आई से, मैंने क्या कहा कि लोगों के टाइम वेस्ट ना करें। यस सर, डू यू गेट इट? यस सर। ओके, ये थे रहेंगे वॉलंटियर, उनको मेरी तरफ से टी ब्रेक मिलेगी जो मेरे लेक्चर की समरी बयान कर रहे हैं। जो हमारे जिन्होंने हमें पैदा किया यहाँ तक हमें लेकर आए, चाहे जितना भी कुछ हम कर ले हम उन तक नहीं पहुंच सकते, उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते। देन पे रिस्पेक्ट टू योर खालिक का शुक्रिया, ऑफ कोर्स पे पेरेंट्स, देन पे रिस्पेक्ट टू अदर्स, अपने साथ जितने लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करोगे इनडायरेक्टली आपकी रिस्पेक्ट खुद ब खुद होती चली जाएगी। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, कहीं पे स्टॉप नहीं करना, लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए उनको फेस करो, अपनी चीजों को प्रॉपर टाइम से लेके चलो, हर चीज की ऊंचा बोले बहुत अच्छा, ये ले जो टॉकी सुन कर इतनी तालियां मारे, बड़ी अच्छी बात। आपने से 1-2-3 सभी जान कर ले, शी इज यूजिंग गुड वर्ड, मैं आपको बाकी अप्रिशिएट कर। हां जी सर, अगेन स्टार्ट फिर 0 से हो जाओ, चलिए जा तक पहुंचे उसको। ओके सर, का जो आज का लेक्चर था बहुत ही अच्छा था हमारे एथिक्स से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पे रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, जितनी उन्होंने मेहनत हमारे लिए की और हमें यहाँ तक लेकर आए उनका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वालदैन ही थे जिन्होंने इतनी सारी मुश्किल देखी और आज हमें इस काबिल बनाया कि हम आप सबके दरमियान इस तरह बोल रहे हो, और ये सब कुछ जो जितना भी हुआ इसके पीछे मेरे पेरेंट्स ही थे। देन हमारे इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं उन सबको रिस्पेक्ट दें, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, ख्याल एक दूसरे का करें, पॉजिटिव रहें, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, आगे बढ़ते जाएं, चैलेंजेस को फेस करें, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो फेस करें। एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी, बीइंग अ टीचर, हम जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने भी फेस किए। फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा हुआ कि कोई हमें टीचर अच्छा नहीं मिला, कभी ऐसा हुआ कि टीचर हमें समझ नहीं पाया कि हम चाहते क्या हैं। हमारी क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स कैटेगरीज होंगी, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ब्रिलियंट होंगे और वो अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जिनको एक स्टेप चाहिए होगा, जिनको एक हैंड चाहिए होगा जिसको पकड़ कर वो आगे आए, उनको आप आगे बढ़ाए। थैंक यू। याद रखो हमारे माशरे में इमोशनल इंटेलिजेंस में यूथ में एक नेगेटिव एफेक्ट है, वी ओनली डिसेंट टू रिप्लाई, हम लोगों को सिर्फ रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं, वी डोंट लिसन पीपल टू लिसन। तो खुदारा लोगों को सुनना शुरू कर दें, जो कोई भी बात कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, स्टूडेंट कर रहा है, बच्चा कर रहा है, पेरेंट्स कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, लेडी वाला कर रहा है, कोई और लिसन इट। ये आपने उस पैराडाइम से बाहर आ गया, उस सोच से बाहर आ गया, वी ओनली लिसन पीपल टू रिप्लाई। 70% है ये सच आई,
तो बात कर रहा हूँ, क्या पता आपके सवाल का जवाब उसके अंदर ही है। तो ये जो पेशेंस है ये आया है, टीचर्स को बहुत ज्यादा पेशेंस होनी चाहिए। इतनी पेशेंस होनी चाहिए, मुझे अपने बचपन के टीचर ही रात क्लास को क्यों हंसते रहते थे, हमने बात करते रहना हमें सुनते रहना। अभी मुझे कहा था इतना ज्यादा सुनते कर सकते, बड़ी हिम्मत है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में मैं आपको अभी बहुत अच्छी पहले समझी पहले हम पा रहा हूँ, लेकिन मैं वन टू थ्री पे अभी अपने बात खत्म करके फिर आपसे क्वेश्चन आ सकता हूँ। वन, अल्लाह का शुक्र। दो, ऑनलाइन का शुक्र। तीसरा, आजी। चौथा, अल्लाह की मखलूक के लिए पॉजिटिव होने। पांचवा, हमेशा अपना कृतज्ञ आज रखना लोगों से हम्बल रहना। और छठा, हर आने वाले दिन में कोई अच्छी बात हार कर कि मैंने कहते हैं इम्प्रूव कैसे करना। और सातवां, अकोमोडेट रखना, हर दोस्तों में बैठने से गिनती नहीं होती, लोगों को अकोमोडेट करना सीखना, जिंदगी गुजर रहा। और मंजिल पर नजर रखना कि मैंने क्या करना। ये टोटल 9 लेसन थे जो मैं आपको कन्वे कर दिया। आप में से किसी कोई हर्ट हुआ था, सॉरी मैडम जी, तो गई अपॉइंटेड व्हेन आई एम सॉरी अगर मैंने 3 दफा आपको कहा था। तो एम वाज गुडनेस, यू आर यंगर, यू लाइक डॉटर एंड सिस्टर। तो एम वाज गुडनेस, वो गुडनेस हमने कन्वे कर दी। यू आर ओपन टू क्वेश्चन, कोई सॉल्व कर सकते हैं आप, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। एनीथिंग सर, आपने भी बोला था सर, आपने एक बात बोली है कि हम सब यूनिक हैं और हमें जो है ना सबसे पहले एक अपने बारे में सोचना चाहिए, लोगों का इतना वो नहीं करना चाहिए कि लोग क्या कहें, ठीक है। और प्रायोरिटी बेशक आप पेरेंट्स को दें, लेकिन आपकी इतनी सेल्फ है वो पहले आनी चाहिए कि आप अपने लिए कुछ करेंगे तभी दूसरों के लिए करेंगे। सर यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि हम कहीं सेल्फिश ना हो जाए, क्योंकि अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो हाउ कैन वी मेक अ बाउंड्री बीइंग सेल्फिश एंड बीइंग। हाँ, ये बड़ी थिन लाइन है कि हर वक्त अपने मुतालिक सोचना काम देती सेल्फ प्रोटेक्ट ऑफ सेल्फिशनेस। वो सेल्फिशनेस तब आती है जब हमेशा आप अपने पिज्जा के पिज्जे का सोचे कि अच्छी के बर्गर का सोचे। ये बात जो मैंने जिस प्रोटेक्ट में किया मैं क्लियर कर देता हूँ, इट इज विद रिगार्ड टू दी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि आपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से खुद एहतसाबी जो है कि उस सेंस में कि सेल्फ को पहले इम्प्रूव करें फिर बाकी को मानना उस सेंस में। अच्छा, वो जो वाकई में आपको अच्छी चीज़ें आपको सोसाइटी से आ रही हैं, टीचरों से आ रही हैं, लोगों से आ रही हैं, तो वो ठीक है, वो आपके उसके ऊपर है। सेल्फ सेल्फ का मीनिंग मेरे नज़दीक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की सेंस में, ठीक है। आई होप ये आपकी बात क्लियर हो गई, आई होप यूर क्लियर हो गई, गुड। और जी कोई बात करना चाहता है, यू शुड बी वेरी आइडियल डॉटर एंड यू शुड बी एक्स्ट्रा आइडियल डॉटर इन लॉ, क्योंकि वो मैंने वन वे ट्रैफिक चलाई है, पहले सासों के हकूक के ऊपर, अभी देखिए कम्युनिकेशन जहाँ मांगते हो रियलिटी हो हकीकत सती हो, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप सुबादी के टीचर हैं, चाहे आप बेटी हैं, चाहे आप बहू हैं, चाहे आप बीवी हैं, चाहे आप सारे रिश्तों में आप जुड़े और उन रिश्तों को आपको निभाना आना चाहिए। याद रखिए मुफाइन और मुफ्ती उनको मिलती है जिनको मौके निभानी जाती है, जो मौकों का मुनाफा रखती है उनको मौके नहीं है, खुशियों को मिलती है तो खुशियों को खुशियाँ देना आता है, छोटी से एक्शन से पॉजिटिव एक्शन। हाँ जी, क्यों और आपका सवाल है जी प्लीज सर, हाउ कैन वी क्रिएट पेशेंस, हम कैसे किसी की बात सुन सके, बर्दाश्त हम जो है ना वो किस तरह लाए। आई रिमेंबर यू, आपका इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, सॉरी आपका इंटरव्यू किया था हमने जब वंस यू आर बीइंग अटेंटेड, तो आई रिमेंबर यू, आपके इंटरव्यू में भी हमने अच्छी क्वेश्चन मुझे याद आ रहा कि how we can create patience? Yes. अच्छा, patience क्या है? हर बंदे का ई क्या है कि उसके अंदर जो कुछ है वो शेयर करे, और हर बंदा ये चाहता है कि जो ये बंदा बात कर रहा है मैं ऐसे देर पर ये बात बता सकूं। अच्छा, और हर बंदा ये चाहता है कि मुझे पहले सुना, ये दो चीज हमारी सोशल एक्टिविटी सोशल डायनेमिज्म के अंदर चल रही है, एक रूल मिला है। तो पेशेंस का पहला हल ये है कि आप बेशक अगले को कह रहे, कई दफा ऐसे होता है मैं कहूँ जाता हूँ लोगों को नहीं, मैं प्लीज तो नहीं कहता, मैंने ये बोल तो जाते हो, तो आप कहते हैं कि 10 मिनट आप मेरे पानी का ग्लास पी रहा हूँ सुनी का
दस मिनट के बाद टोटल दो मिनट होंगे। आप कोशिश करें अगले को मिटी दें, अगले को पहले बताइए कि आप बता दें प्लीज आपका इशू क्या। स्टूडेंट से भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम इस बात पे उनकी रेज होंगी कि टीचर हमसे बात नहीं करते। 99% प्रॉब्लम इस मुआशरे में लोगों की लैक ऑफ कम्युनिकेशन से, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन नहीं होती। लैक ऑफ कम्युनिकेशन से मुराद यही है कि आप अगले को सुनते ही, और ये सिर्फ आपके लेवल के टीचरों के लेवल के स्कूलों के लेवल के नहीं, दफ्तरों में भी पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी कल्चर में भी जो सीनियर है वो नहीं है, वो समझता है कि मैं एवरीथिंग, मुझे सुना जाता है। अच्छा, उसमें फिर प्रोफेशनलिज्म सब भी होता है, उसमें पीछे आ गया। बट एज ए प्रोफेशनल मेच्योर पर्सन पेशेंस ने आपको जहनी तौर पर तैयार होकर अगले को ये नोट देना पड़ेगा कि आप बताने को नहीं पाते। अभी बच्चे ने आके बात शुरू किया, अभी बेटा ठीक है आप सही, आई नो वो चार मिनट तो बच्चा इस बात पर जाया करेगा कि बेटा मैं झूठी बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, सच्ची बात यह है। और उसके बेटा एक बिलीव हुई आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, अभी तय बताना क्या चाह रहा है, उसकी बात को थोड़ा गाइड करके उसकी एसेंस सीखो, सुनना सीखो, सुनने से एसेंस एक साथ सच है। मुझे पहले बहुत ज़्यादा थक, मैं ज़्यादा बोलता था, अभी भी थोड़ी सी है, बट आई डू, मैं अब क्या करता हूँ, अभी मैं सच्ची बात है बेशक मुझसे यंगर भी होना कहते आप बात करो मैं सुनो कोई बात नहीं, आखिर में उसकी बात पर वापस कर देंगे। तो आप पहले अगले को सुनने का एप्टीट्यूड है और उसको आई खुद भी आपको कहना मैं आपको सुना लूँ, फिर अभी आपको ठीक है आप याद करना क्या। आई होप इट गिव्स यू एन आंसर, और ज्यादा कम नहीं है मेरे के साथ एक्सरसाइज किया लिसनिंग एक्सरसाइज। आप छोटे भाई को बनाए उसको कहें जी भाई को सेटिंग पे बात करो टाइम पे पर फाइव मिनट, वो कहेगा मेरी अच्छी लड़ाई हो चुकी है ना कर देते कानून पर आप सुनते रहे विजुअल इंक्रीज पेशेंस ये एक्सरसाइज है। उसके बाद मुझे कभी पूरा साल नहीं थे पूरी जिंदगी कोई पैसे नहीं थे, वजह हिम्मत ही बच्चा था मेरे का जिससे सवाल पूछा फिर वर्किंग करनी पड़ती है ये सारा ये करिए
दूसरा I knew it कि I should have asked him class. उन्होंने मुझे रहना भी कहा कि मैंने आपको इनकार नहीं किया लेकिन ये सही क्लास का है और शायद उसकी बरकत है कि अल्लाह ताला ने बात का बात नहीं बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टीचर्स की फॉल्ट नहीं है किसी की फॉल्ट ये सोशल कल्चर है थोड़ा मटेरियलिज्म ज्यादा ये बात मैं कर रहा हूँ मैंने 1982 में मैट्रिक किया 67 डेटा करते हैं एग्जाम में 70s की बात कर अभी क्या हुआ है अभी कमर्शियलिज्म आ गया अकेडमीज आ गई आपकी कुछ कैश हो वो आप उनमें एज पर एनवायरमेंट से अलहदा रह के तो नहीं आप चल सकते लेकिन आप टीचर हैं एक जगह आपका एक पेरेंट इंस्टीट्यूशन तो है आपकी 8 क्लासें फुली फाउंडेशन किसी भी स्कूल में पढ़ानी तो है अच्छा उन 8 क्लासों में इतना मतबाल में लिया आप ये तो ऐड कर सकें यार मैंने आपकी ये क्लास में मेरी कुछ सिखाना है विद माई फुल पोटेंशियल जो मैं कहीं और अगर मुझे चांस मिलता है उसमें आपके दोनों तरफ चांस शुरू होते हैं नेकी की चाहिए यू गेट पॉजिटिव मैंने यूट्यूब चैनल खोला और उसके काफी एक्सपेंडिचर आ रहे थे सब्सक्राइबर भी कम थे तो मैं एक दिन सोचा यार इसको बस कर दो इसको हो गया तो वन एसएमएस वन कमेंट फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ बार खान बलूचिस्तान उसने कहा सर मैं आपकी ये वीडियो सुनकर आदमी सेलेक्ट हो गया और इतनी लंबी ड्राइंग दी उसने मैंने कहा ये पूरी उम्र नाटक हो गई उसमें हम लोग सवाल करते हैं जवाब करते हैं जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं उसे इसके करते हैं तो जरूरी नहीं कि पेमेंट जो है वो आपको कैश मिले दिस वर्ल्ड इज नॉट फिल्ड विद कैश इनडायरेक्टली ये रिटर्न भी चल रहा है एक रिटर्न इस दुनिया में और एक पैरोक्स दुनिया में पॉइंट ए से बी हर एक ने जीने पॉइंट ए से बी के दरम्यान उसने ट्रबल भी फेस करनी है इस सब खुशी सबको चल रहा है किसी ने पहले कर लिया किसी ने बाद में और जो बात की दुनिया में ठीक रहना चाहता है वो सही को रुक जाता है वो ज्यादा मजबूत लिखा है आपको कल एक बात भी चाहिए यू आर अकाउंटेबल टू योर सेल्फ यू आर नॉट अकाउंटेबल टू योर कॉलेज आप अपने जमीर के हिसाब से उधर से पूछे कि मेरी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है किसी ने सवाल पूछ लिया कोई जस्टिफिकेशन है और उस परफॉर्मेंस में हकूक अल्लाह तो आपका जाती मामला है हकूक अल इबाद जो है वो मामला लोगों का है स्टूडेंट्स का है कम्युनिटी का है सोसाइटी का है फैमिली का है लोगों का उसमें कभी मार नहीं खानी हकूक अल्लाह सच्ची बात है वो आपका अपना मामला करना चाहिए ना उसके बीच में वो करना जरूरी है लेकिन नेवर किसी का बेलना हो टादे मस्जिद टादे मंदिर टादे को कुछ नहीं है पर किसी का बेलना तो रब भी ना मुझे दो डर की कर चेंज योर सेल्फ चेंज वे ऑफ थिंकिंग आई होप आई गिवन यू आंसर ओके जी लगा ली हाँ जी प्लीज बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि जैसे आप तो कुछ कह ही नहीं रहे वो आपका शिकवा बंदे से नहीं होता उसके एटीट्यूड से होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से होता है नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज गोली से ज्यादा खेल करती है क्योंकि आपने बंदे की जिसम ही जख्मी किया उसकी रूह काम जख्मी की है डिमोटिवेशन दिया है बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रूह की गोली से ना किसी को ठीक है नफरत बराई से नेगेटिव दी जाए इंसान से नहीं बार बार चीजों पर असाब के सवार हो रही है तंग आ रही है तो बुला लो उसको कि जिस दिन आए मेरे साथ एक समोसा चाय आप बैठा लो फोन कि आपको पता है कि मेरी किसी बात ने आपको हर्ट तो नहीं किया तो आपकी आपकी बात से बहुत ज्यादा हर्ट होता है आपको शायद पता ही ना तो प्लीज ये ना कि अगले ओवर बात करते हैं मुझे बोल
तब वो आप चेंज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है आप देखिए वो चेंज, लेकिन आप अगर दो तीन पदों में उसको दूसरे क्यों ना मैं बात आप रिएक्टिव ना हो, क्योंकि आप कहीं रिएक्टिव करना नहीं है, आप कहीं दुरुस्तगी है लड़ाई है, ठीक है। सो गुड टू सी यू ऑल, मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्रोसेस में अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा मेहरबानी दूर करे, हमें माध्यम से सबका जारिया रखे, आमीन। तो बहुत लोग क्या अल्लाह में ऊंचे लोग पसंद करना उसी बोलो अल्लाह मियाँ आपको एक अच्छे टीचर के तौर पे परफॉर्म करने की हिम्मत दे, मुझे और आपको अपने पेरेंट्स का सबका जारिया बनाए, एंड वी शुड बी कंट्रीब्यूटिंग गुड फॉर दिस सोसाइटी एंड पाकिस्तान इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज खड़ा करने जाए साहब पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। फाउंडेशन जिंदाबाद। थैंक यू।